इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। जैसा सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद हालात इस कदर संजीदा बनते गए, गरीब गरीब ही बनता गया, गरीब सड़कों पर आए, कई जगह पर तो उनकी चलते चलते मौत वाकई हो गई। तो इसी लॉकडाउन के मद्देनजर जिन गरीबों को अपने नज़रों के सामने रखकर सामाजिक खिदमतगार जनाब पृथ्वी सिंह ने जो खिदमात अंजाम दिए वो वाकई काबिल तवज्जो, काबिल तारीफ है। लिहाजा उन्होंने पिछले 26 दिन से, यानी कि 26 कब से शुरू किया आपका, 26 मार्च से इन्होंने जो है ये राशन किट तकसीम करने का, अनाज को गरीबों तक पहुंचाने का उन्होंने काम अंजाम दिया है। बिना किसी मजहब धर्म भाषा का भेदभाव करते हुए, बिना तफरके के इन्होंने जो काम किया है वो वाकई इंसानियत के काबिल है। लिहाजा इनके काम को सराहते हुए इत्तेहाद न्यूज़ भी इनके काम को सराहता है। तो हम उनकी तरफ रुक करके किसी बताइए कि आपने जो काम किया है बिना मजहब भाषा भेदभाव के, आपने जो इंसानियत का एक पैगाम देते हुए किया हुआ, ये आपने कैसे किया और कितने लोगों तक पहुँचाया? ये जब से लॉकडाउन हुआ है ये मेरा सिर्फ रेशन किट का ही काम नहीं मैंने किया। पहले शुरुआत मैंने सब पुलिसों को पानी, लस्सी और फ्रूट्स देके मैंने छोटे से शुरुआत की। उसके बाद में जब उनको मैं पानी लस्सी देने को जाता था तब मुझे ख्याल में आया, देखा मैंने लोगों को कि बहुत से लोग बिना राशन के भूख से मर रहे हैं। तो मैंने आके घर में मेरे बेटे से चर्चा की और इससे बात की कि बेटा हम दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं, कुछ जहाँ जहाँ पर हमको गरीब लोग दिखते हैं उधर हम लोग जाके खाना दे सकते हैं। तो हमने पहले शुरुआत की खाना देने से, फिर हमने बोला कि अभी ये खाना तो हम ऐसे पका पका के देंगे तो कितने लोगों को देंगे। तो इससे हमने क्या सोचा कि हम एक रेशन किट बनाएं, रेशन किट बनाएं और जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई भाषा देखते हुए नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, ईसाई नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इसमें कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, जेडीएस नहीं, एक इंसानियत का नाता मैंने देखा। इंसानियत के नाते आज जो भी मेरे से बन सकता है, एक हिंदुस्तानी होते हुए और एक हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए, अगर मेरे को भगवान ने, अल्लाह ने, मेरे गुरु नानक ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें से अगर थोड़ा मैं गरीबों के लिए काम आ सकूं, इसीलिए मैंने ये शुरुआत की। और ये करते 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 आज मुझे तारीख भी याद नहीं है आज क्या तारीख है, क्योंकि हमारा दिन ही शुरू होता है जाके एपीएमसी से रेशन लेकर आना और उसको घर में मेरी पूरी फैमिली पैक करती है। छोटी सी टीम है मेरी, दोस्त आ जाते हैं, वो मुझे मदद करते हैं। और ऐसे में ये आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसे में किट्स बना के डेली एक 50 से 60-70 गरीबों के घर जाके ये किट्स में उनको प्रोवाइड करके आता हूँ। और इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना हिंदू देखता हूँ, ना मुसलमान देखता हूँ, ना कुछ। इस वक्त सिर्फ देख रहा हूँ तो मैं गरीबी देख रहा हूँ, हमारे देश की भूखमरी देख रहा हूँ, बस उसी के वजह से मैं कर रहा हूँ। और मैं ये काम आगे भी जारी रखूंगा और जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगा। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे पास तो हर रोज फोन आते हैं कि हमारे मोहल्ले में 1-2 किट भिजवा दीजिए, हमारे मोहल्ले में 10 किट भिजवा दीजिए, हमारे मोहल्ले में। आपके न्यूज चैनल के द्वारा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसे गरीबों का नंबर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9448194153। मुझे ऐसे गरीबों का नंबर दीजिए जिनके पास वाक्य में कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे गरीबों का मोबाइल नंबर और एड्रेस मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझे करेंगे तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी, ये मैं उनको जाके पहुंचा सकूंगा। ये आपका इतना बोलते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब पृथ्वी सिंह। वाकई ऐसे लोगों की जरूरत है, जहाँ हर जगह पर आज सियासी रोटियां सेकने का काम किया जाता है, हर जगह पर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने की कोशिश की जाती है, ऐसे जगह पर पृथ्वी सिंह जैसे भी लोग आए जो इंसानियत के पैगाम को आम करना चाहते हैं और तमाम देश को एक जगह पर जोड़कर इस देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।